हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहां पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। फर्स्ट यूनिट है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सेकंड यूनिट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, थर्ड यूनिट है हमारा डिफरेंशिएशन, फिफ्थ यूनिट है एलपीपी एंड फोर्थ यूनिट है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, हर यूनिट 15-15 मार्क्स की है। अगर तो अगर पास होना है, पासिंग के लिए चाहिए तो तुम्हें फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट करनी चाहिए। तो क्योंकि ये सिंपल चैप्टर भी है और ज़्यादा मतलब स्कोर तुम कर लोगे, पर अगर तुम थर्ड और सेकंड करने बैठ गए तो फिर उसके बाद बहुत टाइम लगेगा और ये मिला के 30 मार्क्स का होगा और फिर तुम उसके अलावा और कोई अदर चैप्टर करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा अगर तुम सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट करने चले गए। ठीक है, तो इसीलिए अब फर्स्ट यूनिट करेंगे, फोर्थ यूनिट करेंगे एंड फिफ्थ यूनिट करेंगे। ठीक है, सो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फर्स्ट यूनिट है हमारा। तो इसमें पहले क्या होता है कि मैट्रिस क्या होता है। ठीक है, मैट्रिसेस हमारा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसको हम इस बॉक्स के अंदर डालते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम किस में डालते हैं, रोज एंड कॉलम्स में डालते हैं। जो इस साइड को जा रही है वो हमारी रोज है और जो नीचे की तरफ आ रही है वो हमारी कॉलम्स है। ठीक है, रोज हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम्स हमारी वर्टिकल होती है। रोज को हम किस में डिटरमाइन करते हैं, एम में। ठीक है, जैसे एम यहाँ पे रो, फर्स्ट रो है M1 और कॉलम भी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है ना, A11 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फिर A12 A का फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे। तो कॉलम हमारा कैसे चल रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और फिर तीसरा कॉलम, पर रो हमारी कैसे है, पहला रो, ठीक है, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो रो हमारी ऐसे जाती है, कॉलम हमारी ऐसे आती है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, और मैट्रिसेस जो होता है सिर्फ इस ब्रैकेट के बॉक्स में हो तो ही वो मैट्रिसेस है, अगर ऐसे में हो तो वो मैट्रिस नहीं है, फिर वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। मैट्रिसेस यहाँ पे देखो, अब ये मैट्रिस बन गया, तो मैट्रिस को क्या है उसकी साइज भी बतानी है। तो साइज हम कैसे बताते हैं, इसकी साइज भी हम यहाँ पे लिखते हैं रो इंटू कॉलम करके। रो को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एम से डिटरमाइन करते हैं, और कॉलम को हम एन से डिटरमाइन करते हैं। तो रो इंटू कॉलम, ये हमारा कितना है, कितने रो है इसमें, हमारे यहाँ पे 3 रोज है और कितने कॉलम है, हमारे यहाँ पे 3 कॉलम है। तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा, हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है, पहली होती है हमारी एक रो मैट्रिक्स होती है कि सिर्फ रो हो उसमें। रो मैट्रिक्स हमारी ऐसे होती है कि सिंगल रो होती है इसमें, 5, 2, 1, 4, सिंगल रो, एक रो, तो हमारी रो मैट्रिक्स है। कॉलम चाहे जितने भी हो पर रो हमारी एक होनी चाहिए, तो वो हमारी रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट सेकंड, इसमें हमारी रो चाहे जितनी भी हो, हमारी कॉलम एक होनी चाहिए, 1, 2, 3। तो ये हमारी एक कॉलम हो गई, रो कितनी हमारे पास, 1, 2, 3। यहाँ पे हमारी एक रो थी,
पर कॉलम कितनी थी? 1 2 3 4, चार कॉलम थी पर रो हमारी एक ही थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जीरो एंड नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हमारा होता है कि हमारे उसमें जितने भी हमारे नंबर्स है वो सारे के सारे जीरो हैं, चाहे वो कितने भी कॉलम में हो कितने भी रो में हो, ठीक है। और ये हमारा कितना कितने साइज का बन रहा है, देखो एक रो दो रो, दो रो है हमारे पास और तीन कॉलम है हमारे पास, तो ये हमारे 2x3 का हमारा मैट्रिक्स बन रहा और सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो है तो वो हमारा जीरो मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे होता है कि हमारी रो भी इक्वल होनी चाहिए, हमारी कॉलम जितनी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है इक्वल कॉलम और इक्वल रो रहना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, वो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, तो यहाँ पे जो रो एंड कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फिर उसके बाद हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें, और इसमें ये होता है कि ये ट्रायंगल मैट्रिक्स किसमें पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी अपर कॉर्नर या फिर लोअर कॉर्नर पे मतलब ट्राइंगल बना के जीरो एलिमेंट होने चाहिए, लाइक 1 2 3 0 0 0 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, हाफ से नीचे का जितना भी एलिमेंट है वो जीरो है या फिर हाफ से ऊपर का जितना भी एलिमेंट है वो जीरो है, तो हमारा ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे क्या है कि हमारी इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है, कि इसमें हमारी जो भी मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल पार्ट्स है उसमें एंट्री हो और बाकी के जो डायगोनल के अलावा जो भी हमारे नंबर्स है वो सारे जीरोज हो, ठीक है। तो मतलब कि डायगोनल क्या होता है, ऐसे में या फिर ऐसे में हमारे डायगोनल होता है ना, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 और बाकी के इसके अलावा जितने भी है वो सारे जीरो, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नंबरिक है बाकी सब सारे हमारे जीरो है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी हमारे डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, पर क्या हमारी जो डायगोनल वाली एलिमेंट्स है वो इक्वल होनी चाहिए, सारे सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, लाइक 4 4 4 और बाकी सारे हमारे जीरो होने चाहिए, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि हमारे स्केलर मैट्रिक्स का ही थोड़ा मतलब थोड़ा सा आगे है, कि स्केलर मैट्रिक्स में हमारा क्या था कि सारे सेम थे पर यहाँ पे जो हमारे डायगोनल होने चाहिए वो सारे 1 1 होने चाहिए, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, बाकी ये दोनों 0 है, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, वो सिर्फ इसी फॉर्म में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगा, ठीक है।
ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस खत्म हो गए, उसके बाद हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रेसेस कि मैट्रेसेस अगर इक्वल है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर लाइक अगर इक्वल्स टू एक्स वाई तो जब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल में गिवन हो तो क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो भी हमारा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसके करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में वो उसकी वैल्यू वो इक्वल है। ये नहीं कि पूरे का सम हम इक्वल करेंगे फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल है, नहीं, हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। लाइक एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 11 11 इक्वल है। जेड की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और 15 की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि सामने सामने वाले इक्वल है। ठीक है, अब इस पे एक सम करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस जेड 3z प्लस w इक्वल्स टू माइनस 1 5 0 13। तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने बताया कि सामने सामने वाले इक्वल होते हैं, तो ये हमारा जो इक्वेशन 1 आएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू हमारा माइनस 1 हो जाएगा और इक्वेशन 2 हमारी 2x प्लस z हमारा इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 2x माइनस वाई हमारा 0 हो जाएगा, 3z प्लस w हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि हम इसको क्या करें कि पहले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे माइनस वाला एडिशन करके, तो इसको माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वाई वाई कट जाएगा पूरा और इक्वल एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू में हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 और 5 में जाएगा तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद z की वैल्यू 3 आ गई तो 3 इंटू 3 9 9 9 इसमें जाएगा 9 10 11 12 13 4, w की वैल्यू 4 आ गई और क्या बचा, y बचा तो 2 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 तो माइनस वाई माइनस 2 वाई की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बोलो। जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू 4 जेड की वैल्यू 3 थी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस को कैसे हम ऐड करेंगे।
कि जब हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सामने सामने की जो एलिमेंट है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एडेड मतलब जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 6 13, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 2 7, 8 9 10 11, 3 4 6 9, 9 5 14। तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऐसे होता है कि हम सामने सामने मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। अब देखो ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस था, ये दोनों तभी पॉसिबल हैं जब LHS और RHS दोनों ही साइड में जो मैट्रिक्स है या फिर जिस भी मैट्रिक्स का, जो भी हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं, वो सेम साइज़ ऑफ मैट्रिसेस होने चाहिए, मतलब उनकी रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल। अब सेम अगर हमारा यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो वैसे ही होता, अगर 5 के आगे -5 -2 होता तो वहाँ पे हमारा 3 आ जाता। तो वही सेम है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में भी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है कुछ की ऐड करने के लिए, वो क्या 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 है कि ये सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ए प्लस बी हमारा बी प्लस ए भी हो सकता है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारा ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। ये हमारे वही लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ है, एक एडिटिव आइडेंटिटी लॉ है, एक एडिटिव इनवर्स लॉ है, कि अगर तुम ए में से कोई भी ए मैट्रिक्स है उसमें से अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हो, सॉरी जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, तो वो हमारा क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा ना। तो ये हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स को ऐड करने से क्या बन रही है, हमारी सेम मैट्रिक्स बन रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड आइडेंटिटी, की ये एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है कि जो हम ऐड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे सेम वही चीज आ जा रहा है, तो वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद ए प्लस माइनस ए, ये क्या है, हमारा इनवर्स है, ए इनवर्स है, ठीक है। अगर तुम ए में तुम ए इनवर्स एडिटिव इनवर्स प्लस करोगी तो ए इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स है ए का, तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम पहला करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है किसी भी एक वर्ड एक डिजिट का, लाइक 4, 4 का हम पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, 4 को अगर हमें पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इस 4 को हम सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उनको सबसे हम इंटू करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हमारा आ गया है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे हमारा क्रक्स क्या निकलेगा कि हम अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है हमारा पूरे मैट्रिक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा है 4, तो हम उसको उस मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि वो सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कॉमन होना चाहिए, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स था। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स,
ठीक है, तो मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? तो कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। तो हम तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडीशन, ये एक है, ठीक है। देन उसके बाद आंसर जो मैट्रिक्स आएगी, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, उसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाले का उसके जो उसका जो रो होगा वो होगा फर्स्ट वाले का रो रो एंड जो कॉलम होगा वो होगा सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। बना के हमारा जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा R1 × C2 साइज का। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले रो को लेके चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को लेके चलेंगे। पहले वाला रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो पहले वाले का रो है 1 2 और दूसरे वाले का कॉलम है 2 1। तो पहले पहले वाले रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम पहले सेकेंड वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को हम इंटू करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से। फिर तो ये हमारा 2 का कॉलम है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 4। फिर उसके बाद अब हमें जो आंसर चाहिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, तो हमने ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा। अब फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। हमने क्या, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हम लेके चलेंगे, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो फर्स्ट वाले को हम इसके फर्स्ट एलिमेंट से इंटू करेंगे, 1 × 3 3, प्लस में हम क्या करेंगे, 2 × 4 8, तो कितना हो गया हमारा, 8 9 10 11 11 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे, अंदर यहाँ के लिए इसको इससे करेंगे, फर्स्ट के सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 3 2 6 प्लस 4 1 4, और यहाँ के लिए हम 3 इस वाले रो को इस कॉलम से करेंगे, 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो ये हमारा आ गया 10 and 15। आया समझ? तो हमें सीधा सीधा हमें पहले रो लेना है, फिर कॉलम लेना है, रो कॉलम रो कॉलम। अब देखो हमें फर्स्ट रो बनानी है, आंसर का फर्स्ट रो बनाना है, तो फर्स्ट रो के साथ हम जो जो कॉलम का आंसर चाहिए हमें उस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो बनाने के लिए फर्स्ट रो को
हम इसके कॉलम कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं बताती हूँ, हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए। हाँ, तो ये वाला हमारा आंसर की किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम किया हमने। अब फिर उसके बाद हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। फिर हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हम फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, ओके। वैसे ही हमारा फोर्थ एलिमेंट हमें चाहिए, तो हम फोर्थ एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर हमें फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, और फिफ्थ एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम। फिर हमें सिक्स एलिमेंट चाहिए, और सिक्स एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम। फिर हमें थर्ड सिक्स सेवेंथ एलिमेंट चाहिए, और सेवेंथ एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम। फिर हमें एट चाहिए, तो हमारा फर्स्ट रो में थर्ड रो में सेकेंड कॉलम। फिर हमें नाइन्थ एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड रो में थर्ड कॉलम, ओके। अब आया समझ? तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? डिटरमिनेंट्स हमारे होते हैं कि एक मैट्रिक्स का एक सिंगल वैल्यू निकालना होता है हमारा डिटरमिनेंट, और वो सिंगल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट जो होता है, हम डिटरमिनेंट्स को हम डिनोट करते हैं इस लाइन से, ठीक है। मतलब कि मैट्रिक्स जो है हमारा, मैट्रिक्स होता था इस वाले ब्रैकेट के अंदर, पर जो डिटरमिनेंट, जब मैट्रिक्स की अरेंजमेंट इस सिंगल लाइन के अंदर हो, सिर्फ लाइन के अंदर हो, तो वो हमारा डिटरमिनेंट बन जाता है, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट जो होता है हमारा, वो हमारा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। अगर वो अनस्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस पर हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिर्फ डिटरमिनेंट पे निकलता है। तो एक सिंगल अगर कोई हो, जैसे फोर का डिटरमिनेंट निकलेगा, तो वो तो सिंगल एलिमेंट, मैंने अभी क्या बताया कि मैट्रिक्स के एक सिंगल वैल्यू निकालना हमारा डिटरमिनेंट होता है, तो यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है ही है, तो वही चीज हमारी डिटरमिनेंट बन जाएगी। अब फिर अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो, 1 2 2 1, ठीक है, 2x2 का अगर मैट्रिक्स हो, तो फिर हमारी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को, जो हमारे सामने सामने वाले होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंस निकाल देते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करेंगे, तो 1 × 1 1 −2 × 2 4, है ना। तो ये इसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी −3, हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्या किया मैंने, सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको माइनस कर दिया, और माइनस करने के लिए जो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। और जो 3x3 का है, वो जानने के लिए हमें पहले माइनस एंड को फैक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। अब ये माइनस एंड को फैक्टर्स क्या होता है, मैं बताऊंगी। माइनस हमारा होता है, इसको हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। जैसे हमारा
थ्री बाय थ्री, अभी टू बाय टू पे ही ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। माइनर हमारा डिटर्मिनेंट्स में निकलता है, मैट्रिक्स में नहीं निकलता है, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसका हमें माइनर निकालना है। माइनर हमें किसका निकालना है, यहाँ पे हम माइनर निकालना है ए वन वन का, वन का माइनर निकालना है, ठीक है। अब जो वन है वो हमारा कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये हमारा ए वन वन हुआ, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अभी मैंने बताया हमें माइनर निकालना है। माइनर हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एम ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका एम वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम डिटरमिनेंट्स में करते हैं, उस रो को हटा देंगे और उस कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के हम, वो हमारा क्या हो जाएगा, एम वन वन आ जाएगा। तो इसको हटाया हमने, इसको हटाया तो ये हमारा क्या बचा, फोर बचा। तो यहाँ पे जो माइनर आएगा हमारा फोर आएगा, ठीक है। फिर हमारा अब टू बाय टू का हमने देखा माइनर क्या होता है, अब थ्री बाय थ्री का माइनर क्या होता है। थ्री बाय थ्री का अगर हमारा डिटर्मिनेंट है तो हमारा माइनर कैसे निकालेगा, अब हमें निकालना है माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के का माइनर, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। तो क्या करेंगे हम, उस कॉलम को हटा के और उस रो को हटा के जो बचा हमारा, क्या बचा, इसको हटाया और हमने इसको हटाया तो हमारे पास 2983 बचा। तो हमें हमारे पास क्या बचा, 2983। और डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, 2 और 9 का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से 8 और 3 का प्रोडक्ट। तो 2 9 18 माइनस 24, तो यहाँ पे हमारा आ गया 19 20 21 22 23 24 6, तो -6 हमारा माइनर आ गया। अब उसको हम देखो, माइनर का भी एक डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है, मतलब माइनर का मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसे बनेगा, हम -6 को किसमें, हमारी कौन सी माइनर की थी, वो 2 1 की माइनर थी, तो उसकी जगह पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे, हर जो भी माइनर, जिसका जिस भी एलिमेंट का वो माइनर है उसकी जगह पे वो माइनर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनर का मैट्रिक्स बन रहा है। तो माइनर समझ आ गया। फिर उसके बाद हमारा कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स होता है हमारा कि जो हमने माइनर निकाला है उसमें हम उस पे क्या करेंगे, उसमें हम पावर लगाएंगे। पावर किस चीज की, माइनस वन से इंटू करके, माइनस वन से इंटू करेंगे और कुछ पावर लगाएंगे, ठीक है। और पावर क्या लगाएंगे वो मैं बताऊंगी। लाइक जैसे यहाँ पे हमने इस वाले एलिमेंट का माइनर निकाला था अभी, जो कि हमारा -6 आया था, तो इसी एलिमेंट का कोफैक्टर अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। अब सी हमें, कोफैक्टर हमें किसका निकालना है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। अब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का क्या माइनर क्या आया था, माइनर हमारा -6 आया था। और अभी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके कुछ पावर लगाते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 पे कुछ पावर लगेगी, और वो पावर क्या लगेगी, इसका सम, ठीक है, 2 + 1 3, तो 3 पावर आ जाएगी यहाँ पे, इक्वल टू
अब माइनस वन का पावर थ्री है तो नेगेटिव माइनस वन से इंटू होगा अब ये नंबर, ठीक है, माइनस वन इंटू माइनस सिक्स तो हमारा क्या हो गया, सिक्स पॉजिटिव हो गया ये, तो हमारा इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आया, सिक्स, ठीक है। अब हमें डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, थर्ड मतलब थ्री बाय थ्री कॉलम का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर इसमें लिखना हो तो डी, ठीक है, डी या फिर तुम मैट्रिक्स का अगर नाम दे रखा है, जैसे यहाँ पे हम मैं मान रही हूं कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो तुम कोई एक रो या फिर एक कॉलम सोच लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ इस रो को, ठीक है, इस रो को लेके चल रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो के सभी कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस रो के सभी कोफैक्टर्स निकालूं मैं अगर, तो वन का कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, माइनर निकालूंगी मैं अगर वन का, तो फाइव नाइन जा 45 माइनस एट सिक्स जा 48, 45 माइनस 48, ठीक है। अब ये माइनर निकल जाएगा, अब फिर कोफैक्टर कैसे निकलेगा, उस पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्या, माइनस वन, माइनस वन, और फिर उस पर पावर क्या लगेगी, ये हमारा वन वन का है तो वन प्लस वन टू पावर लगेगी उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका करूंगी, इसका माइनर मैं निकालूं, तो इसका माइनर निकालू ये कॉलम छोड़ के, ये रो छोड़ के मेरे पास क्या बचा, 4976, तो 4 9 36, 36 माइनस 7 6 60, सो 7 6 7 5 35 7 6 42 इंटू में माइनस वन की पावर क्या लगेगी, वन प्लस टू थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले एलिमेंट का माइनर पहले निकालेंगे, 4 8 32, माइनस हमारा 7 5 35 इंटू माइनस वन की पावर क्या आएगी इसका है, तो ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारी 4 पावर आएगी, ठीक है। तो ये हमने कोफैक्टर तक कर लिया, अब फिर डिटरमिनेंट में और कुछ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा इसमें है कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसके एलिमेंट के साथ, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 एंड 3, और फिर इन सबको प्लस कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ऐसे करा है, पर हमें जब सॉल्व करना होता है तब हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सिक्स पॉजिटिव हो जाएगा,
ये माइनस में रहेगा प्लस सिक्स, माइनस का माइनस का, अच्छा 12, 19, सो ये हमारा आएगा 6। तो डिटरमिनेंट अब आ गया हमारा 6, ठीक है, आया समझ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। पर इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले जानना है एडजॉइंट और ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए डी जे और मैट्रिक्स का नाम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जो हमने यहाँ पे कोफैक्टर एक का निकाला था, वैसे ही हमें जितने भी मैट्रिक्स में है एलिमेंट सबका कोफैक्टर निकालना है, फिर उसका एक मैट्रिक्स बनेगा और उसका मैट्रिक्स बनने के बाद हमें उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज हम करते हैं लाइक अगर ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ट्रांसपोज हमारा होता है इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमें रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज बना देना है, तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ऊपर एक ऐसे डंडा रख के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रोज को कॉलम बनाना है, तो ये जो रो है 1, 2, 3 वाली उसको हम कॉलम में लिख देंगे और इस कॉलम, इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे 4, 5, 6, और इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे 7, 8, 9। अब क्या हुआ, जो हमारा ये कॉलम था ये रो बन चुका है 1, 4, 7। हमने क्या किया, रो को कॉलम बनाया था, पर देखो कॉलम भी अब हमारा रो बन चुका है, तो ये हमारा बन गया है ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स करना और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है कि देखो हम जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं हम मैट्रिक्स को, ठीक है, जैसे एक इक्वेशन बन गई है, मैट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, बी। अब इसको तुम ए सॉल्व कैसे करोगे, क्यों, हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें ए को यहाँ पे डिवाइड पे ले जाना पड़ेगा, बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। पर हमने मैट्रिक्स में डिवाइड तो सीखा ही नहीं है, हमने, हमें क्या आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो डिवाइड होता भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को हमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, बी अगर ए डिवाइड में है तो हम उसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमें उसका ए का इनवर्स निकालना पड़ता है। इनवर्स को हम डिनोट करते हैं माइनस वन से, ये तो पता ही है, बेसिक सी चीज है मैथ्स की, ठीक है। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 by determinant into adjoint A, A इनवर्स निकालने का, ठीक है। और एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी होता है, पर वो हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में यही फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला है। मैंने तुम्हें ए डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया, एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, फॉर्मूले में पुट करो और इनवर्स निकल आएगा। पर फॉर्मूले में पुट करते वक्त ये जो हमने
कोफैक्टर्स लगाए थे माइनस वाले, इसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट में भी कभी कभार इसमें साइन मतलब हम करते हैं कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर में गलती हो जाती है, साइन में गलती हो जाती है, साइन लगाते वक्त गलती हो जाती है, तो उसका ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद एडजॉइंट में भी हमें कोफैक्टर निकालना होता है, वही कोफैक्टर वाले पे ही हमारी गड़बड़ हो जाती है सारी, बाकी माइनर भी तुम थोड़ा ध्यान रखोगे तो माइनर सही से चला जाएगा, बस कोफैक्टर में माइनस प्लस माइनस वाली गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो उसका ध्यान देना है, बाकी फॉर्मूला पुट कर दोगे हो जाएगा आंसर। तो अब हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि कैसे हम एक अगर मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशन बन रहा है जो कि हमारा ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, ऐसा अगर इक्वेशन बन रहा है तो उसका कैसे सोल्यूशन आएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है अगर किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कम से कम एक सोल्यूशन तो आ ही रहा है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होता है। और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो हमारा वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हमारा इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला है हमारा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड सेकेंड है हमारा क्रेमर्स रूल। जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। मैट्रिक इनवर्स मेथड मैंने आपको पहले इनवर्स निकालना सिखाया था तो ये भी वैसा ही है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है, मतलब कि एक मैट्रिक्स होती है ए की, मतलब एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे लाइक 1 2 3 4, ठीक है, और फिर एक्स मैट्रिक्स होती है एक्स एंड वाई, देन हमारी बी मैट्रिक्स आती है, समथिंग आंसर आएगा, ठीक है, लिख देती हूँ मैं 10 5 15 20, ओके। तो ये होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा इसके इक्वल होगा, पर हमारे पास इसकी एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स की वैल्यू हमें पता नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था इनवर्स निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं, उसके लिए अब जब ये डिवाइड नहीं हो सकता सिर्फ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं तो हम इसको पहले इनवर्स निकालते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे हम इनवर्स निकालते हैं फिर उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम उससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यही हमारा मैट्रिक इनवर्स मेथड है। एक छोटी सी बात जो मैंने आगे बताना भूल गई थी वो ये कि अगर आप किसी इनवर्स निकाल रहे हो तो आपको देखना है अगर जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, वो अगर जीरो है, ठीक है, तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और अगर वो अनइक्वल टू जीरो है तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर जब वो नॉन सिंगुलर है तभी हमारा जो होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर उसका आंसर जीरो आ गया तो हम ए इनवर्स निकालेंगे नहीं, हम बोलेंगे निकालेंगे ही नहीं और बोलेंगे कि यहाँ पे
ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और वैसे अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है मैट्रिक इनवर्स मेथड के ऊपर, तो अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक डिटर्मिनेंट आ रहा है, आपका सिंगुलर कहला रहा है मैट्रिक्स, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है, आपको थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। मतलब आपका आंसर भी थोड़ा गलत हो सकता है, आपको थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है उसमें। फिर उसके बाद हमारा क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल में स्टेप होता है, स्टेप्स में बता रही हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमारा स्टेप टू है कि देखो, जैसे ए डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स है, फिर हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स होगा, इक्वल टू में हमारा एक बी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो जब आपको स्टेप टू में भी डिटर्मिनेंट निकालना है, पर वो डिटर्मिनेंट किसका होगा कि आपको अब रिप्लेस करना है एक कॉलम को किसी से। तो यहाँ पे हमारा जैसे ये हमारा हो गया, और x में हमारा x n y का हमारा हमने वो कर लिया, ठीक है। और b भी हमारा कुछ वैल्यू मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, जैसे 5 and 10 की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आप x की वैल्यू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, x में फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है किससे, बी कॉलम में, बी के कॉलम से। आपको मैट्रिक्स ए में जो आपका कॉलम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें आपको फर्स्ट एलिमेंट का अगर सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको आपको फर्स्ट कॉलम के, इसका फर्स्ट कॉलम आपको रिप्लेस करना है। और फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 3, इसको रिप्लेस करना है किससे, 5 10 से। और जो बाकी जो कॉलम बचे उनको एज इट इज लिख देना है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। वैसे ही स्टेप 3 और स्टेप 4 भी हमें वैसे ही करना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वाई का करेंगे, वाई का डिटरमिनेंट करेंगे, तो उसमें लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो इसकी मैट्रिक्स है उसमें हम वाई वाले सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो स्टेप 2 हमारा ऐसा ही, यहाँ पे हमारा स्टेप 3 भी हमारा ऐसा ही होगा। और 3 कॉलम का अगर मैट्रिक्स है, तो स्टेप 4 भी हमारा ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद हमारा स्टेप 4 यहाँ पे, अब जब हमने मैट्रिक डिटरमिनेंट निकाल लिया है, एक डिटरमिनेंट निकला है हमारा, दूसरा डिटरमिनेंट निकला है, और तीसरा डिटरमिनेंट निकला है, अब उसको हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, कौन सा डिटरमिनेंट इन स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप को छोड़ के हमने कौन सा डिटरमिनेंट निकाला था, स्टेप 2 में डिटरमिनेंट निकाला था। उस स्टेप 2 का डिटरमिनेंट को 2 वाले आंसर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, स्टेप 1 से, जो कि हमारा था, स्टेप 1 में हमारा क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a था, और स्टेप 2 में हमारा क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ x था, x को रिप्लेस, x के लिए हमने रिप्लेस किया था, तो उसको हम डिनोट करेंगे x से, ठीक है। तो हमारा ऐसे निकल गया। और फिर वैसे ही हमारा सेम y के लिए हम निकालेंगे, y के लिए हमने कौन से कॉलम को रिप्लेस किया था, इस वाले कॉलम को, जिसका आंसर हमारा स्टेप 3 में आया था, तो और उसको हम क्या डिनोट कर देंगे, y, या फिर आप D1, D2, D3 नाम भी रख सकते हैं डिटरमिनेंट का। फिर डिवाइड में आपका जो फर्स्ट स्टेप का था वो, ठीक है। तो ऐसे हमारा x और y का आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्रेमर्स रूल था।
अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पीडीएफ है, ये हमारी जेके ठुकराल की पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप ये पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं या फिर 10 ईयर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे मतलब इसे इस इसको इससे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर टू रिलेटेड मार्केट्स ए एंड बी, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ईच मार्केट एंड प्राइस ऑफ ईच मार्केट। हमें एक्स डिमांड इक्वेशन दी हुई है दोनों ही कम मार्केट की, और सप्लाई इक्वेशन दी हुई है दोनों मार्केट की। हमें क्या जानना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और कंडीशन जानना है, ठीक है, मतलब वही इक्विलिब्रियम प्राइस जानना है, ठीक है। अब देखो, अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए किसी मार्केट का, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है ना, तब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है, इक्वल हो जब दोनों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी और एस को हमें इक्वल में रखना है, ठीक है, और डिमांड ऑफ बी मार्केट एंड सप्लाई ऑफ बी मार्केट को हमें इक्वल में रखना है, ठीक है। अब ये इक्वल में रखने के बाद हमारा जो अब उसको हमने यहाँ पे जैसे एक्स डिमांड ऑफ मार्केट वन ए और सप्लाई ऑफ मार्केट बी हमने इक्वल में रखा, फिर उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है, ठीक है, और फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है तो हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है। अब देखिए, अब ये ए एक्स इक्वल्स टू बी वाले इक्वेशन में आ गया है, तो हम उसको उसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका इनवर्स, ए का इनवर्स निकाला है, इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है, फिर उसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूला है हमारा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ ए मार्केट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ बी मार्केट हमारा आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग नेशनल इनकम मॉडल, हमें कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इक्वेशन दी हुई है और नेशनल इनकम इक्वेशन दी हुई है, जो कि हमें पता भी है, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नेशनल इनकम मॉडल से हमें क्या निकालना है, हमें सी आई और वाई की वैल्यू निकालनी है, और इसका हम कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं या फिर डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा क्रेमर्स रूल मेथड होता है। अब हम यहाँ पे हम किससे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कोई भी एक से कर सकते हैं, यहाँ पे चॉइस दे रखा और दे रखा हमें, तो हम किससे करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। आप भी अगर आपको क्वेश्चन में चॉइस दे रखा हो तो आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, क्रेमर और मैट्रिक्स में चॉइस दिया हो तो आप क्रेमर यूज करें, इजी तो दोनों ही हैं, आप क्रेमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इक्वेशन यहाँ पे है हमारा सी का, अब सी का हमें इक्वेशन, हमें एक्स वाली इक्वेशन दी हुई है, पर हमें क्या करना है, हमें उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी वाले फॉर्म में लाना है। तो अब इस इक्वेशन में देखो, हमारा जो बी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है ना, तो बी मैट्रिक्स में हमारी जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं वो हम लेंगे, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा क्वेश्चन का मैट्रिक्स बन जाएगा, कांस्टेंट हमारा क्या है, ये वाले है ना, तो ये हमारा बी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखो, बी मैट्रिक्स में हम यहाँ पे आई देखो ए डी हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे मतलब वो जीरो है, तो हमारा बी मैट्रिक्स बी की जगह पे आ जाएगा ए डी जीरो, ठीक है, बी मैट्रिक्स में हमारा आ जाएगा। फिर हमें एक्स मैट्रिक्स में हमें क्या है, सी आई और वाई है,
ठीक है, तो सी आई और वाई है, तो उसको हमें क्या करना है, सी हमारा पहले ए मतलब हम इक्वेशन में बनाएंगे तो सी इंटू करेंगे, प्लस में हम आई इंटू करेंगे, माइनस में हम वाई इंटू करेंगे, ऐसे ही तीनों में लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं, पहले तो हम प्लस में ही लिखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट्स डालेंगे। तो अब देखो, अब हम क्या कोएफिशिएंट्स डालेंगे, और कोएफिशिएंट डालने के लिए देखो, जब ए डी और जीरो हमारा उधर चला जाएगा तो हमारा जाहिर सी बात है सी को हम इधर ला रहे हैं, है ना, सी को हम इधर ला रहे हैं, तो माइनस बी वाई हमारा उधर जाएगा तो माइनस बी वाई हो जाएगा, तो y का कोफिशियंट तो हो गया हमारा माइनस बी, तो हमने वो कोफिशियंट डाल लिया। वैसे ही y का कोफिशियंट यहाँ पे माइनस ई और y का कोफिशियंट यहाँ पे 1, ठीक है। फिर उसके बाद c का कोफिशियंट, c का कोफिशियंट यहाँ पे 1, यहाँ पे c नहीं है तो 0, और यहाँ पे c माइनस 1 क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। अब बचा हमारा y का कोफिशियंट, यहाँ पे हमारा i का कोफिशियंट, यहाँ पे हमारा आई नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आई 1 होगा, और यहाँ पे आई का कोफिशियंट हमारा माइनस 1 होगा, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में हम क्रीमर्स रूल फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बना लेंगे जो कि हमारा आएगा 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस ई, अच्छा यहाँ पे माइनस ई है, फिर माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि सॉल्व करने पे हमारी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स की जगह पे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एक न्यूमरिक वैल्यू नहीं आएगी, तो कुछ ऐसा हमारा डिटरमिनेंट आएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अलग अलग डिटरमिनेंट निकालना है रिप्लेस करके। तो फर्स्ट स्टेप का हमारे डिटरमिनेंट निकल गया। अब सेकंड स्टेप का डिटरमिनेंट है कि हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस करना है किससे, ए डी जीरो से। तो हमने फर्स्ट कॉलम को ए डी जीरो से रिप्लेस कर दिया और बाकी हमारे सारे सेम है, ठीक है। फिर हमने उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। ऐसे ही सेम हमें सेकेंड थर्ड स्टेप में करना है, हमें क्या करना है, अब सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है ए डी जीरो से, फिर उसके बाद हमारा डिटरमिनेंट निकाल लेना है। अब फिर उसके बाद स्टेप फोर में हमें मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ए निकालने के ए में हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है ए डी जीरो से, और फिर हमें उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। देन उसके बाद हमें सी की वैल्यू, आई की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट उसका रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, सी की के लिए हमने जो रिप्लेस किया था उसका डिटरमिनेंट, और नीचे हमारा पूरा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और आई के निकालने के लिए आई के लिए जिसको रिप्लेस किया था उसका डिटरमिनेंट, और उसके बाद ए का डिटरमिनेंट नीचे और वाई का डिटरमिनेंट, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज कैसे सॉल्व करना है वो तो हमें पता चल जाए, और फिर अगर कुछ टेक्निकल थे ये क्वेश्चन जिसमें हमारा डिमांड आ गया था, सप्लाई आ गया था, इन कंजम्पशन और इनकम इन्वेस्टमेंट आ गई थी, तो इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए। देन उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कुछ अलग है। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, ए होल्डिंग कंपनी एच हैज टू सब्सिडियरीज S1 एंड S2, द सब्सिडियरीज ऑल्सो ओन अ पोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ एच, द परसेंटेज ओनरशिप ऑफ द ग्रुप इज गिवन एज फॉलोज। तो हमें क्या दिया है कि एच एक कंपनी है, उसकी दो सब्सिडियरी कंपनी है S1 एंड S2, ठीक है, एच S1 एंड S2। अब उसकी जो ओन कंपनी के अंदर कुछ शेयर भी ओन हो रहे हैं सब्सिडियरीज कंपनी के एच कंपनी में, तो एच कंपनी की शेयर्स हमारी किस में, सब्सिडियरी में 60 है और 80 है,
ठीक है, और S1 कंपनी की हमारी जो शेयर्स है H कंपनी में 3 है, S1 में तो उसकी खुद की कंपनी है, शेयर्स की हो गए, ठीक है, और S2 में 10 है, S2 के 6 है, 10 है एंड 0 है, ठीक है। और फिर आउटसाइड शेयर होल्डर्स मतलब अपनी कंपनी को छोड़ के, सब्सिडियरी कंपनी को छोड़ के अलग कंपनीज में कोई शेयर है तो वो है 91, 3 एंड 10, और टोटल है हमारा 100 में से, ठीक है। तो मतलब कि हमें इसको जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करते हुए हमें उसकी परसेंटेज में हमें मैट्रिक्स निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि सेपरेटली अर्न प्रॉफिट अगर कोई है तो वो है सेपरेटली अर्न प्रॉफिट 30,000, 17,000, 500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें यह निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ ईच कंपनी निकालना है, हमें क्या यूज करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है, ऑल्सो वेरीफाई दैट सम ऑफ द प्रॉफिट्स एलोकेटेड टू द आउटसाइड शेयर होल्डर्स इक्वल सम ऑफ सेपरेटली अर्न प्रॉफिट्स ऑफ द ऑल कंपनीज, ठीक है। अब हमें देखो हमें क्या निकालना है, टोटल नेट प्रॉफिट निकालना है, तो जो हमें जो चीज निकालनी होती है उस मैट्रिक्स उसका हम मैट्रिक्स बना देते हैं, एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स बन जाता है। तो हमें टोटल नेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल नेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एच हम एक्स ले लेंगे, टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ S1 हम Y ले लेंगे एंड टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ S2 हम Z ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन देखो बनाने के लिए हमें जब X की टोटल नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसमें क्या होगा, आउटसाइड शेयर, आउटसाइड इनकम, तो सो एक्स हमें क्या है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमें आउटसाइड प्रॉफिट और प्लस में हम करेंगे जो हमारी उसकी सब्सिडियरी कंपनी से जो इनकम आ रही है, और वो क्या है हमारी एच की है 60 और 80, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 एंड 0.8, ठीक है, 0.6 एंड 0.8, और 0.6 हमारी कहाँ से आ रही है, S2 से, S1 से आ रही है, और S1 का हमने Y लेट किया है, और 0.8 हमारी किससे आ रही है, S2 से आ रही है जिसको हमने Z लेट किया है, ठीक है। वैसे ही हमारा सेम Y एंड Z का हमारा इक्वेशन बन जाएगा, और फिर हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, और फिर हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, इसमें क्या ही समझाऊं मैं। फिर उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स हमने निकाला कैसे, ए डिटरमिनेंट निकाला और एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर उसको हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है, और फिर हमारा एक्स वाई और जेड आ गया। अब तुम बोलोगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन बनने जैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर हम जब मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे हम 4 क्यों हमने 4 का मैट्रिक्स नहीं बनाया, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स बनती है इनवर्स निकालने के लिए वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे बनती है, हम 3x3 का ही मैट्रिक्स बना सकते थे अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो इसीलिए हमने 4th इक्वेशन को यहाँ पे नहीं लिया है। पर देखो इसीलिए क्वेश्चन में भी उन्होंने बाद में बोल दिया है कि हमें वेरीफाई करना है 4th इक्वेशन वाले सम को, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। तो फिर उसके बाद हमने लास्ट वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व करा है और 52500 आ गया है, जो कि हमारा उसका सम आ रहा था जो हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है, उसका भी सम यही आ रहा है, तो मतलब कि हमारा आंसर सही निकला है। अब हम करेंगे हमारा लियोनटेफ इनपुट आउटपुट मेथड क्या होता है, ये हमारा जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स की हेल्प से हम मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्रीज है
उसको कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी आउटपुट करनी चाहिए अपने फाइनल डिमांड को मीट करने के लिए, तो वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इसमें हमारे दो मॉडल होते हैं, एक होता है क्लोज्ड मॉडल, एक होता है ओपन मॉडल। क्लोज मॉडल में वैसी इंडस्ट्रीज आती हैं जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं और जो वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब उनका जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट वो खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज में, जितनी उनकी इंडस्ट्रीज है उनमें वो यूज कर लेती है, तो वो हमारी क्लोज्ड मॉडल की होती है। ठीक है, और ओपन मॉडल में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो आउटपुट जो निकालती हैं, प्रोडक्शन जो करती हैं, उसका यूज वो खुद भी करती है और फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए उनके यूजर्स, एक्सटीरियर यूजर्स जो होते हैं उनको भी प्रोवाइड करती है, लाइक जैसे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, जो भी उनके बिजनेस से हटके अगर बाहर का कोई है तो उन्हें भी वो देती है गुड्स, आउटपुट गुड्स देती है, तो वो हमारा ओपन मॉडल में आता है। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे हैं तो वो सीखेंगे। तो हमारा एक इनपुट आउटपुट टेबल होता है, इसमें हमारी इंडस्ट्री वन, इंडस्ट्री टू, ठीक है, फाइनल डिमांड, टोटल कंजम्पशन, ठीक है, और इस तरफ इंडस्ट्री वन, इंडस्ट्री टू, जितनी भी इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, तो कुछ हमारे पास डेटा होता है, एक्स वन वन, एक्स वन टू, एक्स वन थ्री, और इसको एफ डिनोट कर देती हूँ मैं, फाइनल डिमांड, और फिर ये टोटल एक्स वन, ठीक है, एक्स टू, एफ वन एन टू, एक्स टू वन, एक्स टू टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखो जो हमारी रो होती है वो हमारी दिखाती है कि हमारी जो आउटपुट निकली है, जो सेल हो रही है वो कितनी है, मतलब टोटल प्रोडक्शन दिखाती है, ये जो हमें दिखाती है टोटल प्रोडक्शन, और उस टोटल प्रोडक्शन का यूज एक्स वन खुद कितना कर रही है, एक्स टू कितना कर रही है, इंडस्ट्री टू कितना कर रही है, और फाइनल डिमांड को वो कितना दे रही है, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन दिखाता है। ठीक है, और फिर जो कॉलम्स होती हैं वो हमें दिखाती हैं परचेज कि कितना उसको मटेरियल रिक्वायर्ड है, परचेजेस दिखाती हैं, ये कॉलम हमारी परचेजेस दिखाती है कि इंडस्ट्री वन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने गुड्स चाहिए जो कि इंडस्ट्री वन से ही मिल रहे हैं उसको, और कितने गुड्स चाहिए जो कि इंडस्ट्री टू से मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो हमारी ऐसे प्रोडक्शन दिखती है और ये परचेजेस दिखती है, मतलब सेल्स एंड परचेजेस। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वैसे तो ये टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, पर कभी कभी अगर बाय चांस की बात है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें ये बनाना पड़ेगा, और ये बनाने के टाइम पे ही कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रोडक्शन कहाँ लेनी है और परचेजेस कहाँ लेनी है। तो ये ध्यान रखना कि परचेजेस हमारी कॉलम में आती है और प्रोडक्शन हमारी रो में आती है। क्यों प्रोडक्शन हमारी रो में क्यों आती है, ताकि वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज को लेते हुए चले, क्योंकि सारी की प्रोडक्शन जो हो रही है उसका यूज इंडस्ट्री वन में भी आ रहा है, टू में भी हो रहा है, बाकियों में भी हो रहा है, और रो में परचेजेस इसलिए आते हैं क्योंकि इंडस्ट्री वन में ही हमें पता चल सके कि इंडस्ट्री वन का कितना गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, इंडस्ट्री टू का कितना गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, और अदर कंट्रीज का कितना गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं।
इसीलिए हमें परचेजेस कॉलम में एंड सेल्स हमारी रो में होती है। अब फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या निकालना क्या होता है। क्वेश्चन में हमें टेबल दे रखा होता है, फिर क्वेश्चन में हमें नीचे गिवन होता है कि अगर फाइनल डिमांड इससे हटके कुछ और चेंज हो जाती है तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी कितनी आउटपुट उसको निकालनी पड़ेगी ये बताओ, है ना। तो वहाँ पे हम ये अज्यूम होता है कि हमारी जो फाइनल डिमांड चेंज हो रही है तो हमारी जो बाकी ये सारी चीजें हैं वो सेम है, ठीक है। बस चेंज किस पे आ रहा है, फाइनल डिमांड के विद द सेम इफेक्ट ऑफ आउटपुट एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अब निकालना पड़ेगा कि अगर वो देखो हम शुरू से ही बचपन से हम मैथ्स करते आ रहे हैं तो हमें क्या होता है कि अगर कोई कोई इक्वेशन में कोई चेंज आती है तो हम ये करते हैं कि हम पर यूनिट का निकाल लेते हैं, फिर उसको जितना चेंज आया है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यही करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि अगर कोई इंडस्ट्री है उसको अपना एक यूनिट बनाने के लिए कितने पर मतलब कितने आउट इनपुट रिक्वायर है, कितने इनपुट रिक्वायर है, ये इनपुट्स हैं, है ना, कितने इनपुट रिक्वायर है एक आउटपुट बनाने के लिए, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालेंगे कैसे, हम उसको हम टोटल से उसके रिक्वायरमेंट को हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारी वो टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी वो पर यूनिट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, है ना। तो वही हमें करना है और उसका एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब फर्स्ट इंडस्ट्री को कितना आउटपुट कितने इनपुट लगेंगे जिससे वो एक आउटपुट बना ले, तो उसके लिए हम टोटल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से जो कि हमारा x1 है, टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे हमारी इनपुट को x11, मतलब उसको इंडस्ट्री वन की इंडस्ट्री वन की x11 बाय x1 इनपुट चाहिए जिससे कि वो बना सके। और क्या चाहिए, इंडस्ट्री टू से उसको x12 बाय x1 इनपुट चाहिए, सॉरी इंडस्ट्री टू को क्या चाहिए, इंडस्ट्री टू को x इंडस्ट्री वन की x12 यूनिट चाहिए कितने, x2 बनाने के लिए, तो उसको x2 से डिवाइड करेंगे। और फिर इंडस्ट्री वन को इंडस्ट्री टू की x21 यूनिट चाहिए x1 यूनिट्स बनाने के लिए, और इंडस्ट्री टू को इंडस्ट्री टू की x22 यूनिट चाहिए x2 यूनिट्स बनाने के लिए। आया समझ कि हमें उसको कितने यूनिट रिक्वायर्ड है प्लस उसी के इंडस्ट्री के टोटल आउटपुट से डिवाइड करना है, ठीक है, उसको कितने रिक्वायर्ड है और उसी के इंडस्ट्री के टोटल आउटपुट, आउटपुट हमारा ये होता है, रो होता है, तो x2 से डिवाइड किया हमने। तो अब जो ये मैट्रिक्स निकला है इसको हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके जो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसको टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट्स कहेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, न्यू प्रोडक्शन वाली वो हमारी क्या बनेगी कि हमने ये ए निकाला तो ये चेंज मतलब अब जो होगी प्रोडक्शन इसको ये चाहिए, ये अब इसको एक यूनिट का चाहिए तो उसको टोटल यूनिट बनाने हैं वो हमारे पास नहीं है तो उसको हम x और y मान लेंगे, ठीक है, वो मैट्रिक्स बन गई। तो इससे क्या होगा, इनको अब इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटपुट
फॉर क्लोज्ड मॉडल, मतलब कि हमारा अगर वो खुद के इंडस्ट्रीज में ही अगर कंजम्पशन हो रही है उसके लिए कितना आउटपुट चाहिए। अब इसमें हम इसमें प्लस करेंगे फाइनल डिमांड की आउटपुट जो चेंज आई है वो वाली, उसको हम चेंज इन फाइनल डिमांड आउटपुट उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस है ना, हमें मतलब अब उसको कितनी और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, टोटल प्रोडक्शन आउटपुट रिक्वायर्ड अब उसको कितनी रिक्वायर करनी है। तो हमारा ये इक्वेशन बना है ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एक्स। ये देखो ये एक्स मतलब टोटल आउटपुट ठीक है, तो मतलब हमें टोटल आउटपुट बनाने के लिए कितने आउटपुट बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी फाइनल डिमांड रिक्वायर हो जाए, फाइनल डिमांड पूरी हो जाए जो चेंज आया वो, और जो हमें पहले हमारी लग रही थी इंडस्ट्रीज के लिए वो भी पूरी हो जाए। तो अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो पहले हम x को एक साइड ले आएंगे, ए एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू डी, तो x कॉमन आ जाएगा i माइनस a, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आई मैंने इसको आगे क्यों कर दिया, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे जो आएगी वो हमारी फ्रैक्शन में आ रही है, और हम अगर ए को हम आगे ले आएंगे तो हमारा पूरा जो आंसर होगा वो नेगेटिव पे चला जाएगा और कभी भी प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम आई को वन को पहले ले लेंगे। आई यहाँ पे पता ही है तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये, ठीक है, इक्वल्स टू डी, और एक्स इक्वल्स टू डी में आई माइनस ए का इनवर्स, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए तो पता ही है क्या करना पड़ता है, आई माइनस ए क्या होगा, हम क्या i माइनस ए करेंगे कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी 1 0 0 1, इससे हम माइनस करेंगे ए वाली मैट्रिक्स को, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, अब माइनस करना आता ही है हमने पढ़ा है, तो उसको माइनस कर देंगे, फिर उसका जो हमारा आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, डी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एक्स निकल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक मेथड है जिससे कि हम इसकी वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो है हमारा हॉकिंस साइमन कंडीशन। मतलब ये लियंटिफ इनपुट आउटपुट मेथड का ही एक पार्ट है, ठीक है, और इसका यूज हम क्यों करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आउटपुट हमारा कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, और वो नेगेटिव में ना आए इसके लिए हमें ये करना है कि कुछ कंडीशंस होती है वो हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो ये कि अगर जो डिटरमिनेंट आता है i माइनस ए का वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब 0 या मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि इसीलिए हम i को पहले रखते हैं और a को बाद में रखते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा डिटरमिनेंट मोर देन 0 ही होना चाहिए। और जो हमारा है सेकंड कंडीशन,
वो ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ऑफ आई माइनस ए मैट्रिक्स का शुड ऑलवेज बी बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि ये मैंने एक अजम्पशन ले लिया है। ठीक है, तो यहां पे जो ये डायगोनल वाला है, ये वाला डायगोनल जो है, यही डायगोनल हम लेते हैं मैट्रिसेस में, तो ये जो डायगोनल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे वाला। ठीक है, मतलब कि जो कि हमारा राइट साइड को जा रहा हो जो डायगोनल, वही हमारा पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं आएगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है या कोई एक नहीं हो रही है, तो मतलब कि हमारा जो लियोंटेफ इनपुट आउटपुट मेथड आया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे कुछ, अब बस खत्म है हमारा चैप्टर, बस एक दो हमारे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि एडिशन में इन लियोंटेफ आउटपुट मेथड में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखो, लियोंटेफ आउटपुट मेथड का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, लियोंटेफ पूछ सकता है, फिर पार्ट टू में वो हॉकिंस साइमन कंडीशन को वेरीफाई करके दिखाओ ये पूछ सकता है, और फिर थर्ड ऑप्शन में वो कह सकता है इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल कर दिखाओ और वैल्यू एडेड निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो उसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले लियोंटेफ आउटपुट मेथड से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा में दे रखा है 2 and 5 लेबर्स डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ कोल एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द इकोनॉमी नीड्स 100 टन ऑफ कोल एंड 50 टन ऑफ स्टील, कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ टोटल कमोडिटीज एंड टोटल लेबर रिक्वायर्ड। हमें क्या निकालना है, टोटल कमोडिटीज का हमें निकालना है, वो हमारा लियोंटेफ मेथड से आएगा। फिर हमारा टोटल लेबर रिक्वायर्ड निकालना है, फिर हमें ये भी बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी और वैल्यू एडेड क्या आएगा अगर वेज रेट, लेबर का रेट 10 पर मैन डे है। ठीक है, तो पहले तो हमने लियोंटेफ आउटपुट मेथड के लिए हमने टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व यहाँ पे देखो, उन्होंने डायरेक्ट ही टेक्नोलॉजिकल मेथड से उन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, फिर उसने आई माइनस ए निकाला, आई माइनस ए निकालने के बाद उनका डिटर्मिनेंट निकाला है, फिर उसको इक्वेशन में डाला है, फिर इक्वेशन में डालने के बाद उन्होंने इसे सॉल्व किया है और उनके पास आ गया है टोटल आउटपुट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने टोटल लेबर डेज कितने रिक्वायर हैं वो चाहिए, तो लेबर डेज उन्हें क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, कितने लेबर डेज चाहिए, 2 चाहिए स्टील, 2 चाहिए कोल के लिए और 5 चाहिए स्टील के लिए लेबर डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टील का आउटपुट 176 और कोल का आउटपुट 58। ठीक है, 558 स्टील का हमारा लेबर कितना रिक्वायर्ड चाहिए, 5, और कोल का हमें 2। ठीक है, तो हमने उनको इनटू करेंगे तो हमारे पास टोटल डेज लेबर रिक्वायर्ड आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा पर डे का 10 रुपीज है। ओके, तो हमारे पास अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने लेबर है, लेबर को, लेबर डेज जितने रिक्वायर्ड हैं उसको हम इनटू करेंगे 10 से, और लेबर डेज हमारे कितने रिक्वायर्ड हैं,
फाइव एंड टू, ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइव एंड टू, उसको हम इंटू करेंगे टेन से तो हमारा फिफ्टी एंड ट्वेंटी आ जाएगा। फिर उसको हमको उसको हमें इंटू करना है किससे, हमारे वन माइनस ए मैट्रिक्स के इनवर्स से, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा क्या कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, हमारी जितने भी लेबर डेज रिक्वायर्ड है टोटल वेज इंटू में हमारा टेक्नोलॉजिकल आउटपुट, क्योंकि आउटपुट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसी पे ही तो हम लेबर की वेज देंगे ना, तो प्राइस भी हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसीलिए हमने वन माइनस ए से के इनवर्स से इंटू किया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी किसकी, स्टील एंड कोल की, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 200 एंड 100। अब उसको स्टील एंड कोल की जो हमारी प्राइस आई है, अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के बाद अब हमें वैल्यू एडेड भी निकालना है कि कितना हमारा एडिशन पड़ रहा है हमें लेबर के लिए, ठीक है। तो हमारी जो अब न्यू रिक्वायर्ड है, न्यू आउटपुट रिक्वायर्ड है, उससे हम क्या कर देंगे, टोटल वेजेस ऑफ लेबर हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू एडेड आ जाएगी कि अब हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू एडेड आ जाएगा, ओके, आया समझ। बस इतना ही है हमारे इस चैप्टर में, हमारा यूनिट वन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करें, और नीचे टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर ले पीडीएफ लेने के लिए। ओके, बाय।